इंसान। हम मनुष्यों का जो परम धर्म है वो अहिंसा है। सभी विचारों में, सभी कर्मों में, पूजा पाठ में, लेन देन में, बोल चाल में, पति पत्नी में, माँ बच्चों में, भाई भाई में, हमेशा हिंसा का वातावरण बना हुआ रहता है और उससे घर में हमेशा कलह जैसा, शोक जैसा दिखाई पड़ता है। अब एक माध्यम है ये शोक से अलग होने का, सत्संग और ज्ञान। हिंसा से बचने का मार्ग है विवेक, और विवेक भी अपने आप में एक गुरु है। जिस गुरु की शिक्षा हम लें, पुस्तक भी एक गुरु है और यह शरीर भी एक गुरु है। शरीर आपको बताता है कि जब शरीर में मल और मूत्र दो चार दिन साफ सुथरे नहीं होते, या हमारे मुख में, दांतों में साफ सफाई बराबर नहीं होती, हमारे बालों की साफ सफाई बराबर नहीं होती, तो ये शरीर बताता है कि मैं परेशान हूँ मल मूत्र की वजह से, गंध की वजह से, मिट्टी की वजह से, पसीने की वजह से। और जब ये साफ सुथरा हो जाता है तो ये एहसास बताता है कि सफाई का मतलब क्या होता है। तम पुष्टम गति भूतम च, जो लोग समय पर मलमूत्र नहीं जाते, समय पर जो लोग मुख मंजन नहीं करते, जिनका पेट साफ सुथरा नहीं रहता, वह भी एक हिंसा ही है, वो भी एक अपराध है शरीर का। आप ये जो गुरु है, ये जो शरीर है, ये जो विवेक है, ये कभी गलत काम नहीं करते। गलत प्रवृत्ति में इसको मन फंसाता है, शरीर को। इसलिए तुलसीदास कहते हैं परम धर्मम श्रुति विदितः। श्रुति का मतलब है वेद के द्वारा यह विदित है, मतलब उसके द्वारा ये कहा गया है कि मनुष्य का जो परम धर्म क्या है। तो परम धर्म मनुष्य का यह है, परम तत्त्वम न वेदिताम यथा सत्रो सत्व विज्ञान। हमारा जो परम धर्म है वो है सत्य तत्व, सद तत्व, सत्यम प्रवृत्ति। जब हम सत्युगी हो जाते हैं, हमारी सत्य में प्रवृत्ति हो जाती है, और झूठ से, छल से, कपट से, फरेब से, हिंसा से और कटु सत्य से जब हम मुक्त हो जाते हैं, तब हम धर्मात्मा ही बनते हैं। कटु सत्य क्या है? जो हमें तकलीफ दे वो कटु सत्य है। बहुत सारे सत्य ऐसे हैं जो तकलीफ देते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं सत्यम ब्रूयात, सत्य ही बोलो। पर कैसा सत्य बोलो? प्रियम ब्रूयात, प्रिय सत्य बोलो। हिंसा से बचो। किसी को मारना, काटना, धमकाना, यही हिंसा नहीं है। बहुत कड़वा सत्य बोलना भी हिंसा है, क्योंकि वो भी मार डालता है सामने वाले को, घायल कर देते हैं। कड़वा सत्य बोल दिया तो सामने वाले को अधिक पीड़ा पहुंचती है और वो दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। मानो कभी किसी ने चोरी की और आपने चोरी करते उसे देख लिया, और 10 लोगों के बीच में वो आदमी बैठा 10 साल के बाद, और आपने डायरेक्ट उसको कहा ये चोर है साला, और 10 साल से उसने चोरी दोबारा की नहीं। 10 लोगों के बीच में उसके प्राण निकल जाते हैं उस सत्य को सुनकर। हाँ, तो सत्य ही आपने देखा था चोरी करते हुए, तो सत्य ही है वो, पर उसके प्राण निकल गए, उसकी जीव चला गया, उसका आत्महनन हो गया, उसके सम्मान का, गौरव का पतन हो गया आपकी वाणी की वजह से। अगर आप थोड़ी देर चुप रहते तो उसकी जो प्रतिष्ठा थी 10 लोगों में वो बनी रहती, और उसी से उसे सुख मिलता है, आनंद मिलता है। इसलिए ये हिंसा है बहुत बड़ी। सत्यम वर्धितम यथा सत्यम वर्धितम प्रयागतम सत्यम, सत्य निरंतर बोले, पर सत्य कैसा बोले? तो ऋषि ने कहा प्रियम,
ऐसा बोले जो बहुत मीठा हो, जो बहुत ही अमृत जैसा हो, सत्य भी बोला जाए और कोई दुखी ना हो। अमृत सत्य हो, नमृतम तद मेदनी यथा भागवत। भागवत की कथा में आने का मतलब यही है, अर्थात किसी विद्वान के मुंह से कुछ सुनना है, कुछ सुनना है, तो उसका मतलब यह है कि हम हिंसा में विश्वास नहीं रखते, हमारा जीव अहिंसावादी हो जाता है। परम धर्म श्रुत विदित इंसान, ये मुझे मालूम है कि शास्त्र यही कहता है कि अहिंसा से ज्यादा सुख कहीं नहीं है, हिंसा से ज्यादा बड़ा क्लेश कहीं नहीं है। कल की कथा में आपने सुना हिंसा में कलयुग का वास बताया, कलि सयानो भवति। कलयुग कहां रहता है? तो कहा हिंसा में रहता है। जो लोग बहुत सत्यवादी बनते हैं और झगड़ा लगाते रहते हैं, घर में आग लगाते रहते हैं, दुख फैलाते रहते हैं, सत्य बोल बोल के, अगर हमारे सत्य से परेशानी खड़ी हो रही है तो सत्य मत बोलो, क्योंकि तुम्हारा जो सत्य है वो अपराध बन जाएगा, दुख बन जाएगा, क्लेश बन जाएगा, और तुम्हारे लिए वो निष्कासित करने वाला, बेवधा फैलाने वाला बन जाएगा। इसलिए सत्यम प्रपन्नम गतिभूतम, सत्यम आवृतम यथाम, सत्यम जीवात्मा तत्त्वम, तत्त्वम योग जीवात्मा ब्रह्म सनातनम सत्य। भगवान सत्य है, जीवात्मा सत्य है, प्रकृति सत्य है, पर ये दिखाई तीनों नहीं देते, तो क्या इनको माने कि न माने? जीवात्मा नहीं दिखाई देता है, डॉक्टरों के सामने मरीज के घर वाले बेड को घेर कर चारों तरफ खड़े हैं, और जीवात्मा शरीर से निकल के जा रहा है, डॉक्टरों ने मशीन लगा रखी है और मशीन बता रही है पल्स गए, पल्स गए, पल्स गए, और गए, मशीन थम गई, और किसी को भी नहीं पता जीवात्मा कौन से दरवाजे से गया। और शास्त्र कहता है जीवात्मा सत्य है, वो कभी मरता नहीं, और उसका अस्तित्व सत्य है, भगवान भी सत्य है, और ये संसार भी सत्य है, पर कहीं सत्य दिखाई नहीं देता संसार। 20 साल पहले जिस आदमी को एकदम गुमराले बालों में देखा, 20 साल के बाद में मिला तो पूरा गुलपुट्टा हो गया, सारे बाल उड़ गए उसके, एक भी बाल खोपड़ी पर नहीं दिखते। 20 साल पहले तो अपने साथ में ही पढ़ता था कॉलेज में, दोनों ही झटके मारते थे गर्दन में, बालों को हिलाते घूमते थे, जुल्फे उड़ती थी, 20 साल में सब गड़बड़ हो गया, कहां चली गई जुल्फे, कहां अजब निराले, सारे गुण धर्म समाप्त हो गए उसके, सत्य प्रतीत होता था वो असत्य में कन्वर्ट हो गया, और सत्य भी है वो आदमी तो है, पर उसका स्वरूप बदल गया, परिवर्तन कर लिया उसके चरित्र ने, उसके धर्म ने, उसके व्यवहार ने, उसके नेचर ने, कॉलेज में ऐसा नहीं था, ये ऐसा कैसे हो गया?